जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी आपकी प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं अभी संध्यावाला में शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रिय गुरुपा, अगर मुझे सत्संग करने में कोई भूल चुक हो तो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शतगति प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, धनतेरस से पहले से। संगत जी, तो मैं कर नहीं पा रही थी संगत जी, तो ओके हुआ। धनतेरस के पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं और माता लक्ष्मी तेरे घर आ रहे हैं, तो तैयारी शुरू कर दे। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो धनतेरस के दिन क्या हुआ संगत जी, सुबह वो लाइट लगाने मेरे घर में एक भैया आया संगत जी। तो गुरुपा ने कहा था धनतेरस के दिन किसी को मिठाई खिलाने मत मत खिलाए मत मत भेजना। तो मैंने मिठाई ला के रख दिया था संगत जी। तो वो भैया आया था वो लाइट लगाने संगत जी। वो भैया ना संगत जी, मुझे ना वो भैया भैया के रूप में ना वो गुरु जी का चेहरा छलक रहा था संगत जी। वो भैया भी एकदम शांत 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 थे संगत जी, बहुत शांत दिख रहे थे संगत जी, और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे संगत जी। तो मैंने गुरु जी का कथा, तो मैंने उन भैया को मीठा मिष्टी मिष्टी दिया संगत जी, मीठा मीठा खिलाया संगत जी। फिर गुरु जी ने बोला था कि मैं और माता माता रानी तेरे घर आएंगे, धनतेरस के दिन तेरा भंडार पूरा कर देंगे, तुझे कभी भी आर्थिक 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 से कभी भी तेरे रुपए का कमी नहीं होगा संगत जी। गुरु जी ने ऐसा बोला था संगत जी। तो मैंने उस दिन मेरे दीदी यहाँ पे नहीं थे संगत जी, मेरे दीदी और वो लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे, जम्मू कश्मीर के जम्मू गए थे संगत जी। और पता है संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि जे एक घर में जो एक मेम्बर जब गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरु जी हर एक मेंबर को ब्लेस कर देते हैं। तो संगत जी, पहले तो गुरु जी ने मुझे मेरे साथ मेरी छोटी बहन को बड़े मंदिर बुला के हमारे को ब्लेस कराया संगत जी। फिर गुरु जी ने मेरी दीदी को इस बार दीदी दुर्गा पूजा में दीदी दिल्ली में गए, दिल्ली में उसका फ्लैट है, वो लोग वहाँ पे थे संगत जी। दिल्ली से दीदी का फोन आया था, वो लोग अष्टमी के दिन दीदी मेरे जीजू और दीदी का एक बेटा और बेटी है संगत जी। तो बेटा नहीं गया संगत जी, मेरी दीदी और जीजू और बेटी अष्टमी के दिन गुरु जी का बड़े मंदिर के दरबार में गए थे संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद ले आए हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जी। गुरुपा आपने मेरी दीदी को फैमिली को आपने बड़े मंदिर लेके ब्लेस किया संगत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो लोग गए थे संगत जी वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। तो मेरी दीदी, मैं कब से कॉल कर रही थी, दीदी ने फ़ोन नहीं उठा रहा था संगत जी। तो क्यों नहीं उठा रहा था, मन में एक डर भी था संगत जी। लेकिन धनतेरस के दिन क्या हुआ संगत जी, मुझे मैं घर में सुबह मैं घर में था जब मैं पूजा करके ऊपर से नीचे आई तो अब कॉलिंग बेल का आवाज़ हुआ संगत जी। मैंने सोचा कोई बाहर का आदमी होगा, कोई लोग होगा। मैं जब खोलने गई मैं देखी मेरा दीदी आई हुई है संगत जी, बड़ा बैग लेके, मेरे वो बड़े दीदी है संगत जी। मैं इतना खुश हो गई ना संगत जी। तो गुरु जी का बात मुझे याद आ गया था कि संगत गुरु जी ने बोला था मैं और माता लक्ष्मी तेरे घर आएंगे संगत जी। तो गुरु जी के तो हाँ गुरु जी मुझे गुरु उस दिन पूजा मैं पूजा घर पर कर रही थी ना, तो गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिया संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और माता रानी के रूप में मेरी दीदी आई थी संगत जी। वो लोग दिल्ली गए थे वैष्णो देवी के दर्शन करने के गए थे, लेकिन दीदी ने बोला वो लोग वैष्णो देवी के दर्शन
जा जा नहीं पाए, क्योंकि उसके बच्ची जो बच्ची छोटी है वो बच्ची हमने इतना दूर नहीं चल सकेगी, इसलिए वो लोग नहीं ले गए। इन दिन उन लोगों पर बाद में पता चला कि हेलीकॉप्टर में जाता है, तो उन लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन लोगों ने मेरे मुझे बोला, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं दीदी, तुम लोग तो गुरुपा से मिल के आए हो ना, तो मेरी गुरुपा है, मेरे भोलेनाथ है, माता रानी है, और माता रानी को जब बुलावा बुलावा आएगा तो माता रानी तुम लोग भी ले जाएंगे। तो गुरुपा ने ऐसे मेरी दीदी को माता रानी के रूप में मेरे घर में भेजा था संगत जी। और मेरे मन में एक बात था संगत जी, जो मेरी गुरुपा जानती थी संगत जी, तो गुरुपा वो बात मेरी दीदी से बुलाया संगत जी। मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी संगत जी, कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना, गुरुपा को सब पता है कि संगत जी गुरुपा को बेटी किस हालत में अभी है। तो गुरुपा ने मेरी इस बेटी को अपने चरण में लिया है संगत जी। तो इस दिन दीदी ने आके मुझे बहुत सारा जो मेरा मन में बात है वो मुझे लग रहा था, मेरी दीदी नहीं बोल रही, मेरे माता रानी स्वयं महिमाई माता रानी मुझे बोल रही है संगत जी। तो मेरा मेरा जो मन में था वो सारा बात क्लियर हो गया संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी दीदी बहुत सारी मिठाई जब उसे मेरे लिए शाल का चूड़ीदार, मेरे मामी के लिए शाल, मेरी बेटी के लिए स्वेटर, बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे संगत जी। क्योंकि गुरुपा ने बोला था धनतेरस के दिन मैं माता रानी तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आने वाले हैं। ऐसे ही गुरुपा ने मुझे बहुत सारा गिफ्ट दिया संगत जी धनतेरस के दिन। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने और एक मैसेज के जरिए मुझे बोला था कि एक बेटा तुझे एक आंटी को हेल्प करना है, तो तू हेल्प कर देना। तो वो मुझे पता नहीं था संगत जी कि वो मेरा दीदी था, क्योंकि एक छोटा बिजनेस मैं कर रही हूँ जिसके मैं दीदी को ज्वाइन करना था। तो दीदी तभी दीदी का हाथ में भी पैसे लेके नहीं आई थी, तो मैंने तो गुरु जी का बात याद आ गया, तो मैंने अपने पैसे से गुरु जी मेरी दीदी को वो ज्वाइन करा दिया। संग इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संग जी मेरी लाइफ में जो हमारे मेरी नहीं हमारे सब लोग के लाइफ में जो भी होता है ना, वो सब हम लोग गुरुपा को पहले से पता होता है संग जी। हमें जो भी दुविधा होते हैं, जो भी कष्ट होने वाला होता है, गुरुपा पहले से हमें अलर्ट कर देते संगत जी। बहुत सारे उपाय जो गुरु जी ने मुझे बताया है, अभी ये करना है, अभी तब करना है, तो गुरु में हम लोग वही करते हैं संगत जी। क्योंकि गुरुपा ने ब्लैक मैजिक रिलेटेड भी बहुत सारे उपाय बताए संगत जी। गुरु जी ने बोला है कि दीपावली में बहुत सारे लोग अभी तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक करते हैं, इसलिए बचने के लिए गुरु जी का जो जल प्रसाद है वो जल प्रसाद से गेट में हर दरवाजे में ओम लिखने के लिए, और गुरु जी का जल प्रसाद के जल हर घर में छिड़काने के लिए, और हमारे खुद के ऊपर भी गुरु मंत्र जप करके 7 बार वो छिड़काने के लिए संगत जी। ऐसे गुरुपा ने कहा है संगत जी भाई दूज तक करने के लिए, तो वो भी मैं कर रही हूँ संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी दीपावली की दिन मैंने मैंने फास्ट रखा था संगत जी। मैं हर साल ही माँ काली के साथ मेरा एक अलग सा कनेक्शन है संगत जी। मैं माँ से बहुत बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। जब भी मन में कोई बात होता है ना, मैं जब भी माँ काली के सामने बोलती हूँ ना, माँ तब भी मेरा सवाल का जवाब दे देते संगत जी। और जब भी मन करता है ना मंदिर जाने के लिए, माँ तभी भी बुला लेते हैं संगत जी। मैंने देखा है संगत जी, क्योंकि मैंने मेरा बेटी जो है ना, मेरा बेटी का जो मुख्य भात है ना, वो तारा माँ ने किया है संगत जी। इसके लिए माता रानी के साथ मेरा अलग सा कनेक्शन है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इस दिन क्या हुआ संगत जी, दीपावली के रात में जब मैं माता रानी के पास गई ना, माँ काली के पास गई, मेरे उधर मेरे पापा फौजी में थे संगत जी, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो हम लोग फौजी सेक्टर में माता काली का मंदिर है वो जागृत है संगत जी। अभी ऐसे तो सब मंदिर भी जागृत है संगत जी, तो ये मंदिर भी बहुत जागृत है संगत जी। तो मैं मेरे मम्मी पापा मेरी बेटी गए थे संगत जी। तो मैंने गुरुपा को हर वक्त जब जाती हूँ ना, गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा मैं जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलना, मेरा अंग संग रहना। तो जब
में हम लोग मंदिर में गए तो पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। संगत जी 20 मिनट हो गया था। संगत जी माता गुरु जी ने मुझे सत्संग के जरिए मुझे बताया था माता माँ काली को पिंक रंग का चोला देने के लिए और माता का सिंगर देने के लिए। तो माता का सिंगर तो जब भी मैं मंदिर में गई हूँ ना बहुत बार दिया है मैंने गुरु जी की कृपा से संगत जी, लेकिन चोला नहीं हो रहा था संगत जी। कोई भी दुकान में पिंक रंग का चोला नहीं मिल रहा था संगत जी। तो इस बार मैंने पिंक रंग का चोला लिया संगत जी, साथ ही माँ का रेड कलर का होना, माँ का सिंगार आलता सिंदूर शाखा पाला, माँ का सारा सामान, माँ का भोग, माँ का नारियल कला सब लेके माँ 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 के पास गई थी संगत जी। मैंने माँ का अर्पण किया संगत जी, साथ साथ में मेरे गुरुपा के लिए, मेरे भोलेनाथ के लिए भी उल्लाद के लिए भी मिठाई, गुरुपा ने एक दिन कहा था मुझे सफ़ेद रंग का मिठाई देने के लिए। तो मेरे पास जो गुरुपा का स्वरूप है ना वो छोटा सा है संगत जी, लेकिन मैं ऐसे गुरुपा का सेवा नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। सिर्फ मैं गुरुपा को चंदन पहनती हूँ, गुरुपा को फूल अर्पण करती हूँ और आरती करती हूँ संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आप मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। मैंने गुरुपा को कहा है संगत जी, जी गुरुपा जब अपने मुझे गुरुपा ने मुझे मेरा नया घर ब्लेस करेंगे गुरुपा ने कहा है, तब गुरुपा को जो वो मेरी नहीं गुरुपा के घर होगा संगत जी, तब मैं दिल से गुरुपा का सेवा करूंगी संगत जी, वो गुरुपा ही कर देंगे संगत जी। तो उस दिन मैं गुरुपा के लिए भी भोलेनाथ के लिए भी मीठा लेके गई थी संगत जी। गुरुपा के सामने मैं घी का बाती दिखाया, मालभोग कला भी दिया, कला का भी भोग लगाया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सामने बैठ के मैंने ओम शिव शिवाय नमस्तम का भी जप किया 108 टाइम्स। फिर मैंने ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये भी जप किया संगत जी 11 टाइम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जब ओम उधर जब जग हो रहा था ना संगत जी, इधर इधर में जग में सब लड़के लोग ही बैठते संगत जी, हम लोग लड़के लोग पीछे बैठते हैं। तो हम लोग गुरु जी ने मुझे एकदम सामने माँ काली का सामने मुझे बैठाया संगत जी। तो मैं माँ के सामने था, मेरे माँ मेरे सामने था संगत जी। मैं मन ही मन बोल रहा था गुरुपा आप मेरे साथ हो ना, गुरुपा मैं जानती हूँ आप मेरे साथ ही हो, प्लीज़ मुझे ऐसा दिला दो ना गुरुपा आप मेरे साथ हो, मैं मन ही मन बोल रहा था संगत जी। तब क्या हुआ संगत जी, जब गुरु जी का वो हम इधर ना वो बोली इंसान सॉरी सॉरी संगत जी सॉरी सॉरी वो प्राणी का जो बोली देता है ना संगत जी वो नहीं होता है संगत जी, वो सिर्फ जो बोली वो बहुत पहले बंद कर दिया है कमांडेंट ने संगत जी। अभी सब वो चाल कुमरा ऐसा शायद ऐसा ही कुछ होता है संगत जी। तो मेरे माँ ऐसे मुझे पता है मेरे माँ को वो किसी प्राणी का रक्त नहीं चाहिए संगत जी, वो माँ तो माँ है ना, माँ सभी को प्यार करते हैं संगत जी। माँ कभी कभी किसी को प्राणी इंसान को कष्ट नहीं दे सकते संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो जब फॉलो कर हो गया ना बोली हो गया, तब संगत जी मैं पीछे खड़ी थी। मुझे मुझे लगा कि वो ब्राह्मण ने शायद वो गंगा जल छिटा रहा है संगत जी, ऐसा मुझे लगा। मुझे मेरे ऊपर ना 2-3 बूंद जल गिरा संगत जी, मुझे लगा वो ब्राह्मण जी होगा जो वो गंगा जल छिटा रहा है संगत जी। लेकिन मैं जब मम्मी को बोला, मम्मी बोला नहीं नहीं ब्राह्मण जी तो नहीं दिया, तब मुझे एहसास हुआ वो मेरे गुरुपा है संगत जी, जो अमृत वर्षा के रूप में मेरे मेरे ऊपर गिरा संगत जी। ऐसे गुरु जी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ संगत जी। मैं इतना खुश हूँ ना, मैं बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम जब अंजलि देने लगे ना, तब भी गुरुपा ने मुझे एकदम पहले फ्रंट में तारा मैं फ्रंट में था एकदम एकदम गुरु जी के सामने, मेरे माता और माँ काली के सामने संगत जी। पर संगत जी जब हमारा आरती खत्म होना, इतना जोर से बारिश होना संगत जी, गुरु जी ने बहुत जोर से अमृत वर्षा किया संगत जी, मेरा मन बहुत खुश हो गया संगत जी। फिर मेरी बेटी ना उधर बच्चे लोग खेल रहे थे उधर थे संगत जी, तो मेरा मन में एक बात ही था जी गुरु जी तो अमृत वर्षा के रूप में मेरे ऊपर गिरा, मेरी बेटी के ऊपर नहीं तो गिरा। मैं एक बार मैंने सोचा था लेकिन वो फिर मन से निकल गई संगत जी। फिर मैं जब बारिश होने के बाद जब मैं देखी ना मेरी बेटी कहाँ है, मैं जब उसके पास गई ना मैंने देखा
वो बहुत गीला हो चुका था संगत जी, उसका शर्ट पूरा भीगा हुआ था, उसका ड्रेस भी भीगा हुआ था थोड़ा। मैं देख के ना बड़ा डर गई थी कि इतना जोर से बारिश आया, कोई बच्चा नहीं भीगा, मेरे बच्चे कैसे भीग गया। तो मैंने उसको बोला, बेटा तुम कैसे भीग गए हो? बोला, नहीं, मम्मा वो उसका फ्रेंड बोल रही थी थोड़ा थोड़ा तुम अगर थोड़ा पानी में पानी लगा लोगे तो बारिश का पानी, तो हम लोग तुमसे फ्रेंडशिप कर लेंगे। मेरी बेटी इतना बहुत बेवकूफ़ है संगत जी, वो उसका फ्रेंड जो बोलते हैं ना वही करते हैं संगत जी। भी मैंने उसको बहुत डांटा संगत जी, तब भी मन में थॉट नहीं आया था संगत जी। फिर जब मैं मंदिर में वापस आया ना, फिर मन माइंड में वो नॉक किया संगत जी कि वो शायद गुरु जी चाहते थे, गुरु जी का जो अमृत वर्षा मेरे ऊपर गिरा था वो मेरी बेटी के ऊपर भी गिरे, क्योंकि मेरी बेटी के ऊपर भी बहुत सारा कष्ट है जो गुरु जी ने छोटे ऊपर काट दिया था संगत जी। तो गुरु जी ने ऐसे उस दिन अमृत वर्षा के रूप में मुझे और मेरी बेटी को ब्लेस किया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब भी मेरा मन बहुत ख़राब होता है ना तो गुरु जी का इतना सारे पॉजिटिव मैसेज आता है ना, वो देख के मन एकदम खुश हो जाता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था, पुत्र वो तुम ही हो जो रोज़ कहते हो कि गुरुपा मेरे सारे दुख हर लो, तेरे पुत्र आज तू दिल से शुक्राना कर, तेरे सारे दुख हर लूँगा, कृपा बरसेगी कल्याण कल्याण की था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी शुक्राना करने आई हूँ संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत गुरुपा ने मुझे कल ही शुक्राना करने के लिए बोला था संगत जी, लेकिन मैं कल नहीं कर पाई संगत जी, तो मैं आज कर रही। इसके लिए भी गुरुपा आप मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा हर वक्त मेरे साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी और मुझे ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना, हर वक्त मुझे गाइड करने के लिए शुक्राना, मेरी इनर ब्यूटी से लेकर आउट ब्यूटी तक मेरी सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए भी शुक्राना, और मुझे और मेरी बेटी को अनकंडीशनल प्यार करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आंटी जी मेरे ये शुक्राना शेयर करेंगे ना उसके लिए उसके परिवार की आप ऐसे अनंतम 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 ब्लेसिंग देना, पूरा संगत परिवार को आपका कृपा बरसाना गुरुपा, मेरे परिवार के ऊपर मेरी बेटी को आपका कृपा ऐसा ही रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच।